हेलो क्लास टेंथ, इससे पहले आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छी तरह समझा दिया गया था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी अपन ने पढ़ लिए थे। आज पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बारे में। इनको आइडेंटिफाई करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ हो वो होते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, और जिनमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है वो होते हैं बेटा कॉनवेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उनको ध्यान से समझते हैं। ये पॉइंट जो बीच वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं बेटा पी, ये होता है पोल, पोल यानी ध्रुव। ठीक, अगर इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह करें तो एक स्फेरिकल पोर्शन बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। यहाँ पर एक पॉइंट होता है सी, इसे बोलते हैं बेटा वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर M1 और ये मिरर M2। ठीक, P क्या हो गया? पोल। जो मिरर आपका है वो पोल है, और M1 M2 जो है वो इस पूरे मिरर का जो पार्ट है M1 और M2। C से R तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं बेटा कैपिटल R, ये होती है आपकी रेडियस। R क्या है? आपका रेडियस। कर्वेचर का मतलब होता है जो स्फेरिकल पोर्शन होता है उसे बोलते हैं बेटा कर्वेचर। तो जब रेडियस होगी तो क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सी क्या होता है? सेंटर। और जब सेंटर होगा तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही बिल्कुल कॉन्वेक्स में होता है, और ऐसे ही सेम टू सेम किस में होता है? कॉनकेव। ठीक है, इसमें आई है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। सी से पी तक की जो डिस्टेंस होती है, सी से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपकी जो पहली हेडिंग आती है वो क्या है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस यानी है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष की डेफिनेशन क्या हुई कि सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे पी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड हेडिंग जो आपकी आती है वो है वक्रता केंद्र, आपने समझ लिया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ये सेंटर जो होता है, एक स्फेरिकल पोर्शन का जो सेंटर होता है उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब होता है जो स्फेरिकल पोर्शन दिख रहा है, जो गोलीय भाग जो दिख रहा है वो होता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी क्या होता है? पोल। पी सी क्या होती है? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। नेक्स्ट हेडिंग आपकी जो आती है वो है मुख्य अक्ष, इसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होती है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें यानी कॉनकेव मिरर की बात करें तो आइए समझते हैं इसको। इसमें पॉलिश बाहर की तरफ है, तो जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ होती है वो कॉनकेव मिरर। ये हो गया बेटा M2 और ये क्या हो गया आपका M। इसमें जो रे हैं यानी किरणें जो हैं वो एक दूसरे के समांतर आती हैं। यहाँ से एक किरण आई, ये दूसरी किरण। अच्छा, एक इसके पॉइंट में, इसके बीच में क्या रहेगा? पॉइंट P। और ये पॉइंट P से जो लाइन जा रही है इसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अच्छा।
फर्स्ट किरण जो है, किरण को बोला जाता है रे। ठीक, तो फर्स्ट जो रे आती है, सेकंड रे, ये एक दूसरे के पैरेलल होगी। इसके बाद थर्ड रे और फोर्थ रे। जब फर्स्ट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट का मीन क्या होता है, परावर्तित होके, परावर्तित। तो पहली किरण जो आएगी वो टकरा कर यानी रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट से होती हुई जाएगी। सेकंड रे भी उसी पॉइंट से होती हुई जाएगी। थर्ड रे भी उसी पॉइंट से होकर जाएगी। फोर्थ रे भी उसी पॉइंट से होकर जाएगी। तो जब किसी मिरर पर इंसिडेंट रे डालते हैं तो रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो किसी ऐसे पॉइंट से मीट होती हैं, किसी ऐसे पॉइंट से होकर जाती हैं, उस पॉइंट को ही बोलते हैं बेटा कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या होता है बेटा, आपका मुख्य फोकस। क्या होता है बेटा, मुख्य फोकस। इसे बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। एक बात और ध्यान समझ लीजिए, आप में अगर पॉलिश अगर आपने बाहर कर दी है किसी मिरर में, तो उस पॉलिश को, उस पॉलिश वाला जो मिरर है, उस पॉलिश को हम, पॉलिश वाले मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। बीच वाला जो पॉइंट होता है वो होता है पी, इसे बोलते हैं बेटा पोल यानी ध्रुव। बीच वाली जो लाइन होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है यानी मुख्य अक्ष होती है। जब इस पर कुछ आपतित किरणें डाली जाती है, मतलब इंसिडेंट रे डाली जाती हैं, तो ये परावर्तित यानी रिफ्लेक्टिंग होने के बाद सभी जो रेज हैं, सभी किरणें जो हैं, वो किसी एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कैपिटल एफ यानी मुख्य फोकस। कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से पी तक की जो डिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं बेटा स्मॉल एफ। देखिए एक हेडिंग में दो हेडिंग निकल कर आई कि मुख्य फोकस समझ रहे थे, तो मुख्य फोकस यानी कैपिटल एफ से जो पोल होता है यानी ध्रुव जो है, ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी। फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ, इसे बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू कितना होता है, रेडियस अपॉन टू। क्या होता है बेटा, रेडियस अपॉन टू यानी फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा इसमें त्रिज्या नहीं बोलना, इसमें क्या बोलना बेटा, वक्रता त्रिज्या बोलना, क्योंकि जो मिरर है यानी दर्पण है वो वक्र के आकार का है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे बेटा, वक्रता त्रिज्या और अपॉन में कितना आ गया बेटा। यहाँ पर एक नोट है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ वो कैसी होती है बेटा, इन्फिनिटी होती है। मतलब समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है बेटा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती